हम क्या कर रहे हैं तुम्हें कुछ पता भी है? आप बताएंगे तो पता चल जाएगा। आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिए जाने के बाद मन की शांति के लिए मैं अपने गांव चला गया था। मेरे घर के लोगों ने मेरे दादाजी बद्री नारायण दीक्षित, जिन्हें लोग दीर्घदर्शी और गणित के राजा कहा करते थे, उनकी कुछ कृतियां मुझे दिखाई। उनमें सन 1850 उज्जैन। मैं बद्री नारायण दीक्षित हमेशा की तरह पक्षियों को दाना डालकर प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को अंकित करना मेरी आदत थी। एक दिन वहां अंकित करने का कोई तथ्य नहीं था। इसी उलझन में जब मैं घर में प्रवेश कर रहा था तो वहां मेरी धर्मपत्नी के हाथों से गिरे हुए सिक्कों में से एक सिक्का मुझे विशेषमय दिखा। सदियों पूर्व अंकित गुप्त रचनाओं का अर्थ ज्ञात होने लगा। सूर्यमुखी का सूर्य से अटूट संबंध है। जैसे सूर्यमुखी सदैव सूर्य को नमन करता है, वैसे ही सूर्यमुखी ने पृथ्वी पर सूर्यांश को नमन किया। लगभग 1400 वर्ष पूर्व सूर्य का एक छोटा अंश पृथ्वी पर आकर गिरा। उसमें औषधि सिद्धि है ये अंकित किया गया था। विदेशी आक्रमण के समय कहीं लुप्त न हो जाए, इसलिए अत्यंत दूर ले जाकर उसे छुपा दिया गया। वो इस समय कहाँ है मैं खोजने लगा। दिन वर्षों में बदलने लगे और अंततः खोज निकाला। जीने के लिए आहार जरूरी हुआ करता था, लेकिन अब दवा है। सैकड़ों लोग हजारों किस्म की दवा तैयार करके लाखों लोगों को करोड़ों में बेचते हैं। करोड़ों खर्चना कितनों के बस की बात है। अमीर जिंदा रहता है, गरीब मर मिटता है। उनकी लिखी बात अगर सही निकली तो लोग लगभग 400 साल तक रोग मुक्त जिंदगी जी सकते हैं। 400 साल तक रोग मुक्त जिएंगे तो जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी अंतरात्मा जो चाहेगी बिल्कुल वही होगा। ये हो सकता है या नहीं, ये डाउट मुझे होने लगा है। शायद यही डाउट बद्री नारायण जी को भी हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने ये राज कहीं लिखा होगा ताकि वो उनके साथ दफन ना हो जाए। क्या 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 कहा आपने? अभी आपने क्या कहा? हाँ वही डाउट। नहीं नहीं, बद्री नारायण जी की बात। हाँ, ये राज उनके साथ दफन ना हो जाए इसलिए शायद कहीं लिख छोड़ा होगा। जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपकी बात में ही है। हाँ? उनके साथ ही दफन ना हो जाए, दैट्स द कीवर्ड। ओके बॉयज, डरने की कोई जरूरत नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर, बोलो बजरंग बली की जय। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, जय बजरंग बली। मुझे लगता है यहाँ पर किसी सिंगर का भूत है। सही बोला। मिस्टर बद्री नारायण यहाँ नहीं होंगे, हम वहाँ जाकर ढूंढते हैं। हाँ ठीक है। अरे चल, तुम भूत हो। इधर उठ उठ उठ, संभल के।
खोलते हैं इसे। अरे ये क्या यार, कुछ भी नहीं है। ऊपर थोड़ी मिलेगा, खोदना होगा। इंदर ये लो। कहां से मिला? ऑनलाइन खरीदा, ये जानना जरूरी है। इंदर ये देख, उतरते ही शुरू हो जाती है। ए, ये देखो प्रोफेसर। पर वो मुझे अपनी ये साथ में कौन है? ए, ये कपिल है ना? ये इनके साथ क्यों है? उन्हीं का है, बात कर। हेलो, मैं प्रोफेसर नहीं कपिल शर्मा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पजल दो और प्रोफेसर को ले जाओ। तुम गाड़ी चालू रखना। We'll proceed as per the plan. Okay. Let's do Mission Impossible. Hi. Hi. नहीं? Wow, fish. Okay, bye. क्या कर रहे हो? मछली पकड़ रहा हूँ। For what? बस ऐसे ही, fun. It's fun for you, but उनके लिए तो टॉर्चर है ना? क्या मछली ने शिकायत की कि मैं टॉर्चर कर रहा हूँ? I'm just playing. मछली के साथ खेलना कुछ गलत नहीं, लेकिन उससे अगर उसे कोई नुकसान पहुंचे तो वो गुनाह है। अनजाने में जो करते हैं वो गलती है, जानकर जो करते हैं वो गुनाह। मैंने मछली को अनजाने में टॉर्चर किया, मेरी गलती है। आपने प्रोफेसर को जान कर किडनैप किया, वो गुनाह है। मेरा ही डायलॉग मुझे सुना रहे हो? बट यू नो व्हाट, यू आर द राइट मैन ऑन द रॉन्ग साइड माय ब्रदर। बुरे को अच्छा भी बुरा ही दिखता है। नेवर माइंड, पजल कहाँ है? प्रोफेसर कहाँ है? प्रोफेसर को सामने नहीं लाया तो क्या पजल नहीं दोगे? नहीं दिया तो आप मुझे छोड़ेंगे क्या? हाँ सर, हाय सर, लाइव है ये? लाइव है और प्रोफेसर अलाइव है। कमाल करते हो सर। पजल दो। छोड़ेंगे नहीं आप? ये असली पजल है ना? यकीन कीजिए, जिंदगी उसी में कायम है। हाँ, सारी दुनिया की फिलॉसफी बस तुम्हें आती है। सर, द बॉय इज मिसिंग सर। चलिए सर। शिट, पकड़ो उन्हें। सर,
गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, स्ट्रेट। अरे पागल है क्या? गो स्ट्रेट स्ट्रेट यार, आगे से जाके फ्लोट कर रहे क्या? अरे घुमा के ले, घुमा के ले, अबे लेफ्ट में डाल, संभल के। अरे चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, पीछे पीछे ले, पीछे ले, जल्दी ओ गया रे, जल्दी ले, भगा भगा, जल्दी। इंदर वो पजल मुझे दो, ये लीजिए। अरे अरे, 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 अरे। ये देखिए ये क्या है। हेलो सर। क्या हुआ सर? उनकी गाड़ी में से हमारी गाड़ी पे एक पेपर आके गिरा है। वो लोग कहाँ है? वो अपनी गाड़ी घुमा के हमारी तरफ आ रहे हैं सर। हा? इसका मतलब वही पजल है। तुम लोग फौरन यहाँ वापस आ जाओ। अरे तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? इसे जल्दी गाड़ी से बाहर फेंक दो। तो बताओ, तुम्हारे बॉस के घर में करीब 10-15 लोग रहे होंगे, दो क्वालिस और एक जंप और 4-5 ड्रिफ्ट, उसके बाद वो सफारी, अब बचे तुम दोनों। क्या करूं? पजल दे देता हूं। ये हुई ना बात, गाड़ी साइड कर। ओके, हे पजल। थैंक यू। कैसी गाड़ी चलाता है तू? इंदर कमाल कर दिया तूने। इंदर वो पजल देना मुझे, ये लीजिए। प्रोफेसर मैप मेरे पल्ले नहीं पड़ा, इसमें कुछ अधूरापन है। सर, ये पहेली दो टुकड़ों में ही सुलझती है। ओह, रंजन बोलिए सर। लैटिट्यूड 27.14 नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 96.31 ईस्ट। कानकोंग। हे ईश्वर, ये कहां पर है? इट इज डीप इंटीरियर फॉरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फुल्ली कवर्ड बाय माओइस्ट।